गाड़ी में जुर्माना हो गया, आपको फाइन लग गया है ओवर स्पीडिंग का, आपको जानकारी है? अगर ऐसा है तो गलत बात है। मैंने कहा है क्या जी, आपको गाड़ी में जुर्माना हो गया, आपको फाइन लग गया है ओवर स्पीडिंग का, आपको जानकारी है? अगर ऐसा है तो गलत बात है। सर वीवीआईपी जो कल्चर होता था उसको खत्म, चिराग पासवान की सुनी गई हाजीपुर में, क्या है सर इसमें, कैसे हुआ? देखिए इसमें वो गाड़ी में वीवीआईपी नहीं देखता है, वो केवल गाड़ी का नंबर देखता है और उसके अनुसार चलान कटता है, उसमें सभी लोग सामान्य हैं। अभी ये सरकार का निर्णय हुआ है कि टोल प्लाजा पर इसको स्थापित किया जा रहा है, ठीक है ना, उसमें जो है ऑटोमेटिक चलान निर्गत होता है, वाहन दुरुस्त चले, वाहन अपना सारा पेपर जो है दुरुस्त रखे, है ना, चालक उसका सावधान चले, सीट बेल्ट बांध करके चले, इसका उद्देश्य यही है, पब्लिक को अधिक सुविधा मिले इसके लिए। और ये कैसे चलान करेगा सर, ये कैसे काम करेगा सर? ये ऑटोमेटिक है, उसमें कैमरा भी है, जो वाहन समेत जो है वाहन का नंबर उसमें अंकित होता है और उसी के आधार पर जो है उसका ये चलान ऑटोमेटिक उसमें से निर्गत होता है। गाड़ी मालिक को सूचना, गाड़ी मालिक को जो है उनके नंबर पर जो है ये मैसेज चला जाता है। जी आपको गाड़ी में जुर्माना हो गया, आपको फाइन लग गया है ओवर स्पीडिंग का, आपको जानकारी है? अगर ऐसा है तो गलत बात है। जी आपको गाड़ी में जुर्माना हो गया, आपको फाइन लग गया है ओवर स्पीडिंग का, आपको जानकारी है? सर वीवीआईपी जो कल्चर होता था उसको खत्म, चिराग पासवान की सुनी गई हाजीपुर में, क्या है सर इसमें, कैसे हुआ? देखिए इसमें वो गाड़ी में वीवीआईपी नहीं देखता है, वो केवल गाड़ी का नंबर देखता है और उसके अनुसार चलान कटता है, उसमें सभी लोग सामान्य हैं। अभी ये सरकार का निर्णय हुआ है कि टोल प्लाजा पर इसको स्थापित किया जा रहा है, ठीक है ना, उसमें जो है ऑटोमेटिक चलान निर्गत होता है, वाहन दुरुस्त चले, वाहन अपना सारा पेपर जो है दुरुस्त रखे, है ना, चालक उसका सावधान चले, सीट बेल्ट बांध करके चले, इसका उद्देश्य यही है, पब्लिक को अधिक सुविधा मिले इसके लिए। और ये कैसे चलान करेगा सर, ये कैसे काम करेगा सर? ये ऑटोमेटिक है, उसमें कैमरा भी है, जो वाहन समेत जो है वाहन का नंबर उसमें अंकित होता है और उसी के आधार पर जो है उसका ये चलान ऑटोमेटिक उसमें से निर्गत होता है। गाड़ी मालिक को सूचना, गाड़ी मालिक को जो है उनके नंबर पर जो है ये मैसेज चला जाता है।